आप लोगों को इतना तो पता होगा कि 1962 में चीन ने हमारी पीठ में खंजर घोंप के हम पर हमला किया था। उस समय हमारी युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी, जिससे हमारी हार हुई और हमारी बेशकीमती जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन उस युद्ध में भी बिना कोई खास साजो सामान के हमारे कुछ ऐसे वीर शहीद थे जिन्होंने चीनियों की अनगिनत लाशें गिरा दी थी। उन्हीं गुमनाम सूरवीरों में से थे अमर शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह राठी। हाई कमान से इस देशभक्त जाट को पीछे हटने का आदेश मिला था, लेकिन इन्होंने एक इंच भी पीछे हटने से मना कर दिया। ब्रिगेडियर होशियार सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1916 को बहादुरगढ़ के निकट गांव साखोल में हुआ। प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त की। 1932 में राजकीय हाई स्कूल बहादुरगढ़ से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अक्टूबर 1934 में सेना में भर्ती हुए। अपने साहस, शौर्य और बेजोड़ योग्यता के बल पर 4 फरवरी 1941 को कमीशन प्राप्त अधिकारी का गौरव प्राप्त हुआ। 4 मार्च 1942 को कैप्टन, 1 सितंबर 1943 को मेजर, 1 जनवरी 1948 को लेफ्टिनेंट कर्नल और 8 फरवरी 1960 को कर्नल पद से सुशोभित किया। दूसरे विश्व युद्ध में आपको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंडियन सर्विस मेडल और फ्रांस देश के क्रोए दे गुबेरा जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र के समकक्ष विशिष्ट सम्मानों से नवाजा गया तथा अंत में 23 अक्टूबर 1961 को ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नति हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध में वीरता, देश प्रेम और बलिदान के गौरव गाथा से आपने हरियाणा की वीर भूमि को गौरवान्वित किया। जब चीनी हमला हुआ तब होशियार सिंह जी का 62वां ब्रिगेड सैला नामक स्थान पर तैनात था, जो चीन को हर तरह से कारगर जवाब देने में सक्षम था। इसी बीच नेहरू ने मूर्ख कोल को फिर से मोर्चे पर धकेल दिया, जिन्हें शायद युद्ध की ABCD भी नहीं पता थी। जब होशियार सिंह तथा उसके सैनिक लड़ाई के लिए तैयार थे तो अचानक 17 नवंबर की रात को उनको आदेश मिला कि वह अपना स्थान छोड़कर डिविजनल मुख्यालय दोरेरांग जोंग में पहुंचे, क्योंकि कोर कमांडर कोल तथा डिविजनल कमांडर मेजर जनरल AS पठानिया को अपने अपने मुख्यालयों की सुरक्षा की पड़ी थी, क्योंकि दोनों ही जनरल चीन से बुरी तरह भयभीत थे और वो ब्रिगेडियर होशियार सिंह की सुरक्षा पाकर अपने को सुरक्षित करने में लगे थे। तब इनकी चीनी सेना से भयंकर मुठभेड़ हुई और चीनियों की लाशें गिरनी शुरू हुई, लेकिन हमारे पास ना तो अच्छी बंदूकें और ना ही अच्छा गोला बारूद था। इनको कई बार पीछे हटने के लिए ऑर्डर हुए, लेकिन इन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। पूरी रात लड़ाई चली, जिसमें इस वीर सैनिक ने जब तक इनके शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी थी लड़ाई जारी रखी, लेकिन पीठ नहीं दिखाई और अंत में सुबह ये तकरीबन 5 बजे वीरगति को प्राप्त हुए। 27 नवंबर 1962 को अभूतपूर्व शौर्य, कौशल और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए वीर ब्रिगेडियर होशियार सिंह राठी ने बलिदानियों की अग्रिम पंक्ति में अपना नाम लिखवा दिया। आपकी शहादत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने सोखोल गांव की मिट्टी को अपने माथे से लगाया और गांव को वीर भूमि की संज्ञा दी तथा वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर होशियार सिंह राठी का बलिदान सदियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।